साल 2015, डेट थी 3 जनवरी। मुंबई में हुए इंडियन साइंस कांग्रेस का सेशन, जिसका टाइटल था एंशिएंट साइंस थ्रू संस्कृत। इस सेशन में एविएशन यानी कि फ्लाइंग स्कूल के प्रिंसिपल ने ये क्लेम किया कि हमारे वैदिक ऋषियों ने ऐसी फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी कि ना केवल उनकी फ्लाइंग मशीन ऊंचाई तक उड़ सकती थी बल्कि सभी दिशाओं में भी जा सकती थी। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाना, यहाँ तक कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाना उनके लिए आम बात थी। न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर और बीजेपी एमपी रमेश पोखरियाल जी ने ये क्लेम किया कि हमारी मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोनॉमी हमारी एंशिएंट इंडिया की एस्ट्रोलॉजी के आगे एक बच्चे की तरह है। मींस हमारी आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और साइंस हमारी एंशिएंट इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि 28 अक्टूबर 2014 में HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करते समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये क्लेम किया कि भगवान गणेश इस फैक्ट का प्रूफ है कि एंशिएंट ऋषि सर्जरी को इस लेवल पर प्रैक्टिस करते थे कि वो हाथी के सिर को एक इंसान के सिर की जगह जोड़ सकते थे। इनफैक्ट सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म इस बात का प्रूफ मालूम होता है कि कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम में टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक्स भी मौजूद थीं। अब ऐसे ओपिनियन जो कि इतने रिस्पेक्टेड लोग दे रहे हैं तो इनको ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने एंशिएंट इंडियन साइंस की रियल हिस्ट्री को जानें। तो सबसे पहले यहाँ पर दो टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शंस हैं। पहला ग्रुप वो है जो कि ये क्लेम करता है कि हमारे पुराण, हमारी माइथोलॉजी जैसे कि रामायण महाभारत, वह असल में हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। रामायण महाभारत सचमुच में हिस्ट्री में हुई थी। इनफैक्ट बड़े बड़े जायंट्स जैसे कि कुंभकर्ण सच में एग्जिस्ट करते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट के कारण हनुमान जी ने सच में एक पर्वत को अपने कंधे पर उठाया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट के कारण ऐसे ही आपको कई सारे क्लेम्स मिल जाएंगे जो कि इस बात को साबित करती है कि वाकई में हमारी एंशिएंट साइंस आज की साइंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। लेकिन ऐसे क्लेम्स जिनका सबूत हम इंडियन खुद भी नहीं दे सकते, जैसे कि एंशिएंट टाइम की जेनेटिक इंजीनियरिंग, फ्लाइंग मशीन्स, ऐसे क्लेम जिनको हम खुद भी प्रूव नहीं कर सकते, इन क्लेम्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड के सामने हमारी इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी का मजाक बन रहा है। जबकि हमारे एंशिएंट इंडिया का जो जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है वो कहीं पर गायब हो रहा है। वहीं दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो कि हमारे खुद के एंशिएंट इंडिया की पावर पर विश्वास नहीं करते और जो भी चीज़ें जितने भी साइंस में एडवांसमेंट हुए हैं उन सब का क्रेडिट वेस्ट के लोगों को दे देते हैं। लेकिन ये दोनों ये ग्रुप गलत और हार्मफुल हैं। ऐसी कंडीशन में हम सबको इंडिया की असल कंट्रीब्यूशन को जानना होगा, वो भी एक सही हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ। इसी के साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि आखिर हमारे भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया जिस पर हमको प्राउड फील करना चाहिए और झूठी मिथ से भी बचना चाहिए। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम हमारी इंडियन साइंस की पूरी टाइमलाइन को जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ को बनाने का मकसद किसी भी रिलीजन को हर्ट करना नहीं, बल्कि इस सीरीज़ की मदद से आप उन सब चीज़ों को जानोगे जो कि इंडिया ने असल में दुनिया को दी है। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि क्या इतिहास को समझने का कोई साइंटिफिक तरीका है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम हिस्ट्री को कलेक्शन ऑफ फैक्ट की तरह पढ़ाता है कि पास्ट में क्या हुआ था। कई सारी डेट्स होती हैं, नेम होते हैं कि कौन सा राजा कब आया था, किंग्स और किंगडम में कैसे लड़ाइयाँ चलती थी, कैसे एम्पायर्स राइज और फॉल हुए, राजा और उनके मंत्री कितने होशियार हुआ करते थे। इन सब चीज़ों के द्वारा ज़्यादातर बच्चे हिस्ट्री को पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि हमको इसमें कई सारी डेट्स और नेम को मेमोराइज करना पड़ता है। और इससे भी ज़रूरी, हमारी इतिहास की किताबें स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि आखिर हमको कैसे पता चला कि वो सब चीज़ें पास्ट में हुई हैं। क्या यहाँ पर कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे कि यह पता लग जाए कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। इन टेक्निक्स के बिना हम सभी लोग उन चीज़ों पर बिलीव करने लगते हैं जिसको हमें पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि हिस्ट्री को लिखने की स्टडी को हम हिस्टीरियोग्राफी कहते हैं, और हिस्ट्री को लिखना भी एक तरीके से साइंस ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री लिखने के लिए कई सारे स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। किसी एक के पर्सनल बिलीव्स और आइडियाज़ पर हिस्ट्री को नहीं लिखा जा सकता क्योंकि साइंस हमेशा एविडेंस मांगती है। साइंस ऑलवेज डिमांड एविडेंस, और हिस्टोरियंस के पास एविडेंस दो तरीक़ों से आते हैं, या तो मॉन्यूमेंट्स के द्वारा या फिर डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिलते हैं यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस की खुदाई करने पर मिलते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, औजार, हथियार, ड्रेसेस, पोइट्री, यह सब मॉन्यूमेंटल एविडेंसेज हैं। और जो चीज़ें हमको लिखी हुई मिलती हैं लिटरेचर के फॉर्म में, ऐसे एविडेंसेस को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटल एविडेंस। और हिस्टोरियंस का सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि हिस्ट्री के अलग अलग पीसेस को जिग्सॉ पजल की तरह सॉल्व करके एविडेंसेस के द्वारा हमारे सामने एक रियल हिस्ट्री लाएं।
अब इंडिया की हिस्ट्री को जनरली 5 फेसेस में डिवाइड किया गया है। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन 3500 BC से लेकर 1800 BC। इसके बाद वैदिक एज जिसका टाइम पीरियड था 1500 BC से लेकर 600 BC तक। इसके बाद आता है पोस्ट वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड था 600 BC से लेकर 1100 AD। और इसके बाद आता है मेडिवल पीरियड 1100 AD से लेकर 1850 AD। और फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री 1850 से लेकर आज के समय तक। अब ये सवाल आ सकता है कि इन पीरियड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, तो सुनिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो उनकी आर्कियोलॉजिकल साइट पर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग से इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड को आइडेंटिफाई किया गया। इसके बाद हमारे पास वैदिक पीरियड का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है, इसलिए उस केस में हमको वैदिक काल के लिटरेचर पर ही डिपेंड होना होगा। वैदिक पीरियड के एंड में जैनिज्म और बुद्धिज्म और ज़्यादातर लोग रिलीजन को अडॉप्ट करने लगे थे। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में भारत के इतिहास का सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट हुआ। साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्करा, श्रीधराचार्य और भी कई सारे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स इसी पीरियड में जन्मे थे। और मेडिवल पीरियड के आते आते साइंटिफिक ट्रेडिशन लगभग खत्म हो चुका था। और मॉडर्न पीरियड तो आप जानते ही हो, जहाँ पर जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, श्रीनिवास रामानुजन जैसे इंडियन साइंटिस्ट सामने आए। अब इंडिया के साइंटिफिक ट्रेडिशन को समझने के लिए हमको शुरुआत से इसको समझना होगा, हमको स्टार्टिंग से इंडिया की हिस्ट्री को जानना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इस सिविलाइजेशन की मेन साइट्स हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल और इसी तरह की 80 से 90 जगहें थीं जो कि पाकिस्तान और पूरे वेस्ट इंडिया में फैली हुई थीं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। रेडियो कार्बन डेटिंग ने यह रिवील किया है कि ये सभ्यता लगभग 3500 BC से 1800 BC तक रही, जिसमें से इनका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट 2800 से 2500 BC के बीच में हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशियंट सिटीज़ बिल्कुल प्लानिंग के साथ बनाई गई थीं। रोड्स 2 से लेकर 34 फीट तक चौड़ी थीं, गुम्मों के घर बनाए गए थे, वह भी एक रेक्टेंगुलर परफेक्ट अलाइनमेंट में। खाना जमा करने के लिए बड़ी बड़ी ग्रैनरीज मौजूद थीं। पब्लिक बाथ, घरों में कुओं का होना, स्ट्रीट, सड़कें, वो भी एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिविल इंजीनियरिंग को दर्शाती है, टाउन प्लानिंग को दर्शाती है और आर्किटेक्चर को भी दर्शाती है। इस सिविलाइजेशन में आपको सिविल इंजीनियरिंग के कई सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे, कई सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम का होना, पानी का फ्लो कराने के लिए प्रॉपर नालियाँ होती थीं, इरीगेशन सिस्टम मौजूद था, यहाँ तक कि डैम्स भी बनाए गए थे पानी स्टोर करने के लिए, टैंक्स भी मौजूद थे, सभी घरों में अपना खुद का एक प्राइवेट टॉयलेट मौजूद था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जीने हुआ करते थे और यहाँ तक कि उनके पास डॉक यार्ड भी मौजूद था। शहरों में एक ऊंचाई वाला एरिया मौजूद होता था जिसको सिटेडल कहा गया है, इसका यूज़ सोशल गैदरिंग में किया जाता था। मोहनजोदारो में सिटेडल प्लेन से 45 फीट की ऊंचाई पर था। खाना स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थीं जो कि शायद बाढ़ आने के समय लोगों को खाना देती थीं। कम्युनल बाथ मौजूद था, इसका एग्जाम्पल है द ग्रेट बाथ, जिसको शायद पूरी कम्युनिटी के लोग यूज़ में लेते थे। कम्युनल बाथ के साथ साथ प्राइवेट टॉयलेट भी मौजूद थे। इनफैक्ट पूरी टाउन की प्लानिंग रेगुलर थी। जिस तरीके से शहर को बनाया गया था वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ज़रूर वहाँ पर कोई गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होगी। साथ ही साथ इन सब आर्किटेक्चर्स को बनाने के लिए ज्योमेट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर हमको यह भी मालूम पड़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने एक रूलर को भी डिज़ाइन किया था जिसको मोहनजोदारो रूलर कहते हैं, और ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड था। घर बनाने के लिए जितने भी ब्रिक्स को यूज़ में लिया गया था उनका रेशियो 1:2:4 का था। साथ ही साथ ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। और कई सारे एविडेंसेस से हमको यह मालूम पड़ा है कि ये टेक्सटाइल, पोएट्री और मेटलर्जी में भी ये लोग काफ़ी एडवांस थे, मेटलर्जी में भी स्पेशली कॉपर और ब्रास की मेटलर्जी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमको यह मालूम पड़ता है कि लगभग 1700 BC में हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगी, विलुप्त होने लगी। लेकिन इनके डिक्लाइन का कारण कि ये क्यों विलुप्त हुई, तो इसके कारण के बारे में हम लोग पक्के तौर पर नहीं कह सकते। क्लाइमेट चेंज को कारण माना जाता है, सूखा पड़ जाना या फिर बाढ़ आ जाना, जिसके कारण शायद एग्रीकल्चर खत्म हो गया होगा, या फिर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी जिसके कारण इकोनॉमिकल क्राइसिस आए होंगे, या फिर हो सकता है कि किसी जानलेवा बीमारी ने जैसे कि प्लेग ने पूरी सभ्यता को विलुप्त कर दिया हो। खैर, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुई इसका कारण तो हमको नहीं पता, लेकिन यह सिविलाइजेशन भी इनका और माया सिविलाइजेशन की तरह
किसी रहस्यमय ढंग से विलुप्त हो गई। लेकिन इस बात को याद रखें कि जब जब किसी सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट हुआ है, तब तब वो सभ्यता विलुप्त होती रही हैं। आप इतिहास में किसी भी सिविलाइजेशन को उठा लीजिए, चाहे वो इजिप्शियंस हों या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी एडवांसमेंट के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको अभी तक मिल रहे हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन की प्रॉपर सिटी प्लानिंग इस बात की ओर पूरी तरह से इशारा करती है कि इंडिया में उस समय सिविल इंजीनियरिंग कितनी हाई लेवल पर रही होगी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के विलुप्त होने के बाद आता है वैदिक पीरियड, जिसकी बात हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सप्ताह आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।